हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू डिजिटल कौशाम्बी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल कौशाम्बी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जूलॉजी की एक ब्रांच है, से रिलेटेड सभी फैक्ट कवर करेंगे, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी। इसके बात करेंगे अगर सरपेंटोलॉजी की, तो सरपेंटोलॉजी क्या है? ये जूलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो विषैले सर्प हैं वो कौन कौन से हैं, और जो अविषैले सर्प हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विषैले सर्प कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोफिस आता है, ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। इसके बाद स्थल कोबरा, इसके बाद करेत, इसमें विष की तीव्रता काफ़ी अधिक होती है, और उसके बाद वाइपर है, और पिट वाइपर भी क्या है, ये विषैले सर्प हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो विषैले सर्प हैं हमारे कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा हाइड्रोफिस जो कि समुद्र में पाया जाता है, और दूसरा हो गया स्थल कोबरा, तीसरा करेत, विष की तीव्रता, वाइपर और पिट वाइपर। यानी ये जो सर्प हैं हमारे कैसे हैं, ये विषैले सर्प हैं, इन सभी में विष पाया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि अविषैले सर्प कौन कौन से हैं। जैसे पाइथन हो गया आपका, जिसको अजगर के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो वो कैसा सर्प है? अविषैले सर्प है। इसके बाद एनाकोंडा भी क्या है आपका? अविषैले सर्प में आता है। और धामिन कैसा है? अविषैला सर्प है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि अविषैला सर्प है, निम्न में से बताइए कि अविषैला सर्प है, तो उसमें दो तीन और तीन और चार ऑप्शन दे देंगे, और उनमें से अगर ये कोई आता है तो आपको उसमें से आंसर टिक कर देना है। अब देखेंगे कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि सरपेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। या क्वेश्चन ये बनता है कि सर्पों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? चार ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें आपको क्या सही करना है? सरपेंटोलॉजी। तो हम सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? सरपेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या फैक्ट बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो संसार का सर्वाधिक विषैला सर्प है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक विषैला जो संसार, हम बात करें संसार का, जो संसार का सर्वाधिक विषैला सर्प है वो हाइड्रोफिस को माना जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि संसार का सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है, तो कौन सा है? हाइड्रोफिस। और ये भी बनता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हाइड्रोफिस कहाँ पाया जाता है, या समुद्र में पाया जाने वाला विषैला सर्प है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, तो अगर आपको ये पढ़े रहोगे आप तो इसके आंसर आप दे पाओगे। तो संसार का सबसे विषैला सर्प कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, और उसका क्या नाम है? हाइड्रोफिस। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक सर्प कहाँ पर पाए जाते हैं जो विषैले होते हैं? तो जो समुद्र में सर्प पाए जाते हैं वो सर्वाधिक विषैले होते हैं। ये हाइड्रोफिस भी कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। तो जो समुद्री सर्प होते हैं वो सर्वाधिक विषैले होते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्थल का विषैला सर्प कोबरा या नागराज को माना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्थल का विषैला सर्प कौन सा है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें आप क्या टिक करेंगे? कोबरा या नागराज को। यानी जो स्थल का विषैला सर्प होता है वो कौन है? कोबरा या नागराज है। इसके बाद एक फैक्ट और यहाँ से निकल रहा है कि कोबरा ही एक ऐसा सर्प है जो अपने रहने के लिए घोंसले का निर्माण करता है। क्या करता है? घोंसले का निर्माण करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा सर्प है जो अपने रहने के लिए घोंसले का निर्माण करता है, तो क्या होगा? ऑप्शन
आपका हो जाएगा यहाँ पर कोबरा, कोबरा या नागराज ऐसा एकमात्र सर्प है जो अपने रहने के लिए घोंसले का निर्माण करता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ऑफियोलॉजी है या सर्पेंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी दोनों एक ही हैं, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, सर्पों का अध्ययन किया जाते हैं। इसमें हमने देखा कि जो विषैले सर्प होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोफिश, स्थल कोबरा, करेत, वाइपर, पिट वाइपर, है ना, और अविषैले सर्प कौन कौन से हैं, पाइथन हो गया, एनाकोंडा हो गया और धामिन हो गया। संसार का जो सर्वाधिक विषैला सर्प होता है वो कौन होता है, हाइड्रोफिश होता है, और जो स्थल का विषैला सर्प किसको माना जाता है, नागराज या कोबरा को माना जाता है। जो समुद्री सर्प होते हैं वो सर्वाधिक क्या होते हैं, विषैले होते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको जरूर पढ़ें। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये अगर आप पढ़कर जाएंगे तो 100% आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।